अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर से होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं सैटेलाइट इन्फो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मीडिया स्टार MS 2525 फॉर एवर की। जब हम नया रिसीवर लेके आते हैं तो किस कंडीशन में आता है और इसका हम सॉफ्टवेयर कैसे करें, क्योंकि जब ये नया रिसीवर आता है इस रिसीवर के अंदर ना तो सर्वर की ऑप्शन आती है और ना ही इंटरनेट की ऑप्शन आती है और हम परेशान हो जाते हैं यार इसको क्या करें अब। और इसकी मेन वजूहत यही है कि हमने इसका सॉफ्टवेयर करना होता है और आप दोस्तों को आज मैं कंप्लीट इसी वीडियो में बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर हमने कैसे करना है, क्या तरीकाकार है। तो दोस्तों उससे पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सैटेलाइट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन वो आप दोस्तों को मिलता रहे। दोस्तों मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आप दोस्तों को, ये जो रिसीवर है इसको चला के दिखाता हूँ आप दोस्तों को कि इसका सॉफ्टवेयर हमने कैसे करना है और कैसे इसकी इंटरनेट की ऑप्शन लानी है इसकी। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर। जी दोस्तों स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं और आप दोस्तों को दिखा दूँ कि ये जो रिसीवर है मैंने नीचे लगा दिया, ये देखें ये मेरा रिसीवर जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है जी। ये जो रिसीवर है डबल सेंसर है इसके साथ, ये सेंसर भी है और एक्स्ट्रा सेंसर भी होता है, ठीक है जी। ये मैंने चला दिया। अब आते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर हो तो हम USB से भी कर सकते हैं, अगर ना हो तो हम जो है ऑनलाइन कर लें वो बेहतर है। और आज बेहतरीन यही है हर बंदे के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता और उनको मैं यही कहूँगा कि आप दोस्त ऑनलाइन कर लिया करें। ऑनलाइन का तरीका कर क्या है आप दोस्तों को बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमने इंटरनेट पे आना होता है, ठीक है जी। नेटवर्क जो है इसके अंदर आके हमने यहाँ पे इंटरनेट जो होता है वो सर्च करना होता है अपना, कौन सा हमारा जो इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है और कौन सा बेस्ट है। अब हमारा जो भी इंटरनेट इनमें से होगा वो लगाएंगे। हमारा इस वक्त जो है 107C वाला है, यानी कि हमारा 107C वाला यहाँ पे देखें कनेक्ट है, ठीक है जी। हमारा 107C वाला कनेक्ट हो गया। तरीका अगर बता दूँ करने का कनेक्ट कैसे करना है, हमने इसी के ऊपर आना होता है, इस करना होता है ओके, ठीक है जी। अब हमारा जो पासवर्ड होता है यहाँ पे पासवर्ड हमारा लगा होगा। अब हमने करना ये होता है हमने यहाँ पे नीला बटन प्रेस करना होता है, ओके वाला नीला दबाते हैं तो लोडिंग पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिंग की जो ऑप्शन दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे इसका मैसेज वसूल हो जाएगा जी, आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वो देखें वाईफाई ऑप्शन आ गई है जी, कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ आ गया, बाकी रेड है सिर्फ ये ग्रीन है क्योंकि हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने नेटवर्क ऐप्स के अंदर आना होता है। यहाँ पर नेटवर्क ऐप्स के अंदर आना है और यहाँ पर आके हमने करना है इसको ओके। जैसे ओके करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आती है कुरान टीवी की, यूट्यूब जो, उसके अलावा नेट रेडियो है और RSS जो है इसका और सॉफ्टवेयर अपग्रेड। हमने यहाँ शुरू में से एक दो तीसरी ऑप्शन पे आना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऊपर आना है यहाँ पे। ये और जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड है ये इंटरनेट के जरिए आता है, इंटरनेट हो तो जब हम इसको ओके कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ मेरा मैन्यू इस तरीके से आता है। तो ओके करते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने ओके किया तो ये जो लिस्ट जो इसकी है यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पे FTP जो है TP डाउनलोड जो ऑप्शन यहाँ पे आ गई है। अब हमें जो इसका सॉफ्टवेयर पसंद होगा हम उस पर क्लिक करेंगे, तो अब हमें जो पसंद है उसको हम तलाश कर लेते हैं, तो उसको हम ओके करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर होगा। तो मैं इसको तलाश कर लूँ, तो हम करते ये हैं कि हम MS जो फर्स्ट है फाइल यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको करते हैं जी ओके, ठीक है जी। अब इसको कर लेते हैं जी अपग्रेड, हमने अपग्रेड पर क्लिक कर देना इसको, ठीक है जी। अब हमने जैसे ही
अपग्रेड पे क्लिक किया है तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये ऑनलाइन होना शुरू हुआ है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हमारा जो है रिसीवर का सर्वर वगैरह की ऑप्शन जो है वो हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है कि सर्वर जो था इंटरनेट जो इंटरनेट के ज़रिए सॉफ्टवेयर जो था वो डाउनलोड कर लिया। अब ये होगा कि अब ये कह रहा है जी नो, मैं थोड़ा करीब कर दूं। अब ये कह रहा है जी नो यस, यानी कि हमने यस करना है क्योंकि हमारा हमने पहले इंटरनेट से डाउनलोड किया, अब ये रिसीवर में इंस्टॉल करेगा। ठीक है जी, अब जब ये करेगा दोस्तों, जैसे ही वो फाइनल होती है फाइल तो सॉफ्टवेयर की ऑप्शन होती है वो आ जाती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कंप्लीट की यहाँ पे अपडेट जो है यहाँ पे वो आ रही है कि क्या ये चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया स्टार MS मिनी 2525 फॉर एवर न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, लोग मैन्यू मतलब के जो ब्लैक मैन्यू वगैरह इसका जो है वो है, यानी कि कंप्लीट इसकी यहाँ पे अपडेट दे देते हैं। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये रीसेट होने के बाद जो है हमारा ऑन ऑफ होता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कम्प्लीट होकर बाकी जो ऐप्स होती हैं वो खुल जाती हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये खुल गया, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है, नेट वगैरह सर्वर वगैरह कम्प्लीट आ जाता है। तो आप दोस्त वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे ना तो आपको उम्मीद है समझ भी आएगी और आप दोस्त इसको यूज़ भी कर सकते हैं जब नए आप लेके आते हैं। तो अभी जहाँ चलते हैं इसके मेन्यू की तरफ, तो अगर हमारा जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर के बावजूद भी अगर वो इंटरनेट वाली ऑप्शन या वो सर्वर वाली ऑप्शन नहीं शो करता तो उसका तरीकाकार क्या होगा, हमने ये आप दोस्तों को बताना है। तरीकाकार ये होता है कि इसके अंदर हमने सर्वर के लिए यहाँ पे बैग आना है, बैग आने के बाद हमने यहाँ पे डायल करना होता है, F1 का बटन प्रेस करना होता है। ठीक है जी, F1 का बटन प्रेस करना है, उसके बाद जो होता है तरीकाकार, तो ये जो बटन यहाँ पे बना हुआ है गौर से देखें, ये F1 का बटन है, यहाँ पे F1 लिखा हुआ है, ये देखें F1 लिखा हुआ है। इसको हम करेंगे एक बार दबाएंगे और उसके बाद करेंगे जनाब एक 1 1 1 तीन बार इनकी 111 दबाएंगे और उसके बाद ये चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगी आपकी। अब यहाँ पर हमें किसी पे भी ओके कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे जो भी हमें चाहिए मतलब मल्टीमीडिया सर्वर वगैरह जो भी चीज़ है हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं, हम यहाँ पे किसी पे भी कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पर हम कर देते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं मेन्यू दबा के देखते हैं क्या हमारा सर्वर जो है वो एक्टिव हुआ है। तो जनाब पहला यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है जी, ये हमारा सर्वर जो है ये शो हो गया है। हम जैसे ही इसको 1 पे रुका हुआ है इसको 14 पे करेंगे उस वक्त हमारी यहाँ पे डेट जो होगी कंफर्म वो डेट आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको एक्टिव नहीं करना। तो इस तरीके से आप दोस्त जो हैं इसको बड़े ईजीली सॉफ्टवेयर इसका जो है वो कर सकते हैं तो बड़े आसानी के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल शटर्ड इन्फो को तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन जो है तो आप दोस्तों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।